दयाल हरि कोनो कल्पे पूजा करी एशो एशो दयाल हरि दयाल मनिर बांचा पूर्ण हवे ऐसो हे आशरे आशीले आनंद हवे ऐसो हे आशरे निरानंद दूरे जावे ऐसो हे आशरे एशो हे आशरे प्रेमानंद हृदय हवे एशो हे आशरे जय गीता 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 तत्सत् ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश
ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार मंगलाचरणं प्रारंभम्। ओम पार्थाय प्रतिबुधितं भगवतां नरेण स्वायं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारते। ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते बबद्वेषिणीं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रुनेत्र यनत्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीप। ओम प्रपन्नो परिजाताय तत्र वेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। ओम सर्वोपनिषद काव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतंग महत्। ओम वसुदेवं सुतंग देवं कंसचानुरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं बंद जगद्गुरुम्। ओम भीष्मद्रोण तटाजयद्रथ जला गंधार नीलोत्पला शुल्लो ग्रहवती कृपेण बहुनिकर्णेन बेलाकुला। ओम अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिने। ओम सुतीर्णाखुल पंडैवै रणनदीकवर्तक केशवः पराशरी वसः सरु जमलंगितार्थ गंधुत्कटं नानाखानतकेशरं हरिकथा संबोधना अबोधितं लोके सज्जन षट्पैदै राह कृपीयमानं मुदा भुवद भारत पंकजं कलिमल प्रधंशिन श्रेषे। ओम मुखं करोति वाचालं पुंभुं लंघयते गिरिं याति कृपतमहं वंदे परमानंद माधवं। ओम यंग ब्रह्मा बुरुनेन्द्र रुद्र मुरुस्तंबंति दिव्यस्तेभुर् वेदु संग पदक्राम उपनिषदिर्गायन्ति यं सामगः। ओम ध्यानानवस्ति तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्संतं न विदुः सुरा असुरगण देवै तस्मै नमः। ओम नारायणाय नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं चैव ततो जायमुदीरये। अतो मंगलचरणं समाप्तम्। ओम यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनां च याद भवे पूर्णं भव तता सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल भगवद गीता अथ गीतार षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोग नामकं
श्री भगवान वाच ओम नश्रीतः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सशून्याशि च योगी च न निरग्निर्चक्रियः ओम इयं सन्नाशमिति प्राहुर् यगं तं विद्धि पांडवो न ज्ञास्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षुर्मुनोर्युगं कर्मकरणमुच्यते युगारुढ़ तस्यैव समूह कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुसज्यते सर्वो संकल्प सन्नाशी युगारुढ़स्तदुच्यते ओम उद्धोरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ज्यात्मन बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः ओम बंधुर आत्मात्मनस्तस्य यानात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्त्यतात्मैव शत्रुवत् ओम जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानय ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रियः यक्तो इत्युच्यते योगी समालष्ट श्मकाञ्चनः ओम सूरिर्मित्रोदासीनम मुद्दस्थ देशबंधुषु साधुस्वापि सपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगियञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकियत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नत्तु श्रीतं नते नीचं चैलाजीन कुशुत्तरं तत्रै एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्वासनेयञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये समं कायो शिरग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः ओम संप्रेक्षो नाशिका अग्रं स्वं दिशच्चावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो यक्तो आशित मत्परः यञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थम अधिगच्छति ओम नत्तो स्नतोस्तो योगोस्ति न चैकान्तमनस्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नवचार्जुन युक्तहार विहारस्य युक्तु श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्तु स्वप्नावबोधस्य युगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवाव तिष्ठते निष्प्याः सर्वकामेभ्यो युक्तो इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तु निङ्गते शममस्मृतः येग्नः यत चित्तस्य यञ्जतो येगमात्मनः योत्र परोमते चित्तं निरुद्धाङ्गिगु सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् अत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः ओम यं लब्ध्वा चापरं लाभं मुन्नतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं युग संजितं सनिश्चयेन यक्तव्यो युगः निर्विन्न चेतसः संकल्पप्रभवान् कमस्तक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैश्वेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरिमेत् बुद्धादृति गृहत्वया आत्मो संस्तं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यत् यत् निश्चरति मनचञ्चलं स्थिरं ततोस्ततो नियमैवत् आत्मन्येव वशङ्नयेत् ॐ प्रशान्तो मनसं जेनं येविनं सुखमुत्तमम् उपयुक्ति शान्तरजोसं ब्रह्माभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नोति सर्वोभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यक्षत यग यक्तत्मा सर्वत्र समदर्शनः ओम युवां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्चमय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितायोमं वजत्येकत्वमस्थितः सर्वोथा वर्तमानोऽपि स योगीमयी वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र स
समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परम मतः अर्जुन उवाच अहम् इयुहयं यगस्त्वया प्रोक्तुः शम्यन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चञ्चलत्वत् स्थिरं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्धीडं तुष्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं समग्रं महाबाहु मनोदिं निग्रहं चलम् उभ्यासेन तु कुन्तेय बुरज्ञन च गृह्यते ओम संयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मतिः विश्वात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयोति श्रद्धया पेतु युगच्चलितमानसः अप्रप्य युग संसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति क्वचिन्न वय विभ्रष्टच्छिन्ना ब्रमीव नश्यति अप्रोतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन मे संशय कृष्ण चित्तु महर्षि शेषतः तोदिन्न संशय शिष्य चेत्तना जीवबुद्धते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नो हि कल्याण कृत् क्वचित् दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्यो पुण्याकृतां लोको अनुसृत्वा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतांगेः युगभ्रष्टः विजायते ओम अथवा युगिनामेव कुले भवति धीमतं एतद्धि दुर्लभोतरं लोके जन्म इदद्रीशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च तत भूयः संसिद्धो पुरुनन्दनः ओम पूर्व उद्यासन तेनैव ह्रियते जैव सोऽपिश जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दो ब्रह्मोति वर्तते ओम प्रयात्मात्यतमनस्तु योगी संशुद्ध किल्लिशः अनेको जन्म संसिद्धिस्ततो याति परंगतिं तपोशिभोऽधिक योगी जानिभोऽपि मतोऽधिकः कर्मो व्यस्ताधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः आमिगिनामपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यमां समयोक्ततमामतः ओमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां एव शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगनामकं षष्ठाध्याय समाप्तम् ॐ यदस्करां परिभ्राष्टं मात्रहीनां च याद्भवे पूर्णं भवो तथा सर्वा तत्पुरुषाद् जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता। गीतार षष्ठोऽध्यायेर बंगानुवाद श्री गीतार षष्ठोऽध्याय उपवास योग यहाँ कर्मजुगर अंगस्वरूप कर्म त्याग करिले सन्यासी वा जुगी हवा जाए ना जोग अभ्यासेर जन्य प्रयोजन निर्जन स्थानेर निर्जन पवित्र आसने बसिया संयमेर द्वारा मन स्थिर करिया जोग अभ्यास करिते हय आत्मशुद्धिर जन्ने मन के अंतर्मुखी करिते पारिले क्रमे क्रमे चित्तवृत्ति निरोध हय चित्तवृत्ति निरोध हईले आर कोनो विषय चिंता थाकिबे ना तखन मन स्थिर होया निजेर स्वरूप प्रतिभात हय निजेर स्वरूप प्रतिभात हईले परम शांति लाभ करा जाय जिनि सर्वभूते आत्मदर्शन करेन तिनि जोगी श्रेष्ठ कारण तिनि नारायण ज्ञाने सकलके देखिया थाकेन। ए अध्याय अर्जुन श्रीकृष्णके जिज्ञासा करिलेन हे कृष्ण जोग अभ्यास करते गिया जदि सिद्धिलाभ ना हय एवं जेहेतु मन बाताशेर मतो चंचल एई मन के किभावे सबसे आना जाय आमाके बोलो बोलो प्रभु। उत्तरे भगवान बोलिलेन शुभ कार्येर कखनो विनाश नाई तपस्वी कर्मी बा ज्ञानी हईते जोगी बड़ जोगीदेर मध्ये आमार भक्त जोगी श्रेष्ठ साधना अभ्यास करিতে হইলে সদগুরুর উপদেশ নিয়া কুটস্থ দ্বিদলে নিজের মনের আসনে স্থাপন করিয়া ন্যাস প্রাণায়ামে রত থাকিতে হইবে
ইহা জানাইতে জগৎগুরু বলিলেন, ওহে পার্থ, এই অভ্যাস যোগেই তুমি রত থাকো, অভ্যাস যোগই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। তাই পার্থে যিনি প্রবোধিতে নিজে নারায়ণ, শাস্ত্র করিলা কীর্তন, দেশের রচিত মহা ভারতের অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা করিলা প্রকাশ, এই গীতা পাঠে হা দুঃখ নিবারণ, সর্বপা